शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मम्मी जी, पाप वो बात ये है कि दरअसल वो मथुरा गए हुए हैं किसी काम से। मथुरा गए हैं? अरे वाह, फिर तो सारा पुण्य वही कमाएंगे। अच्छा, वो आप लोग तो आ गए, चलिए पूजा में बैठते। अरे नियति अंबर, जाओ जाके जल्दी तैयार होकर आओ, पूजा भी शुरू ही होने वाली। जी मम्मी जी। जाओ जल्दी से आ जाओ। हाँ, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सब बाह्याभ्यंतरं शुचिः पृथ्वीत्वया धृता लोका देवित्वं विष्णुनाम धृता। अब आप लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार जो अन्न आहार का व्रत लेना चाहते हैं अन्न आहार का व्रत लें, और जो फलाहार का व्रत लेना चाहते हैं वे फलाहार का व्रत लें। निराहार का अर्थ है बाल गोपाल के जन्म तक आप जल ग्रहण नहीं कर सकते। प्रभु, नियति इस परीक्षा में खरी उतरे। हे भगवान, मेरे पति जहां भी हो सही सलामत हो। मैं आज रात 12 बजे कृष्ण के जन्म काल तक निर्जल और निराहार व्रत रखूंगी। तब तक ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। चलिए भूख लगाते। आओ भूख
जाओ मेरे मोहन, आता हो दिल लगाओ मेरे मोहन। बोलता के बिहारी लाल की, अब सब प्रसाद ग्रहण करो और अपना व्रत तोड़ दो। जो अन्नहार करते हैं उनके लिए खाना इधर लगा हुआ है और जो फलाहार करते हैं उनके लिए खाना इधर है। लीजिए नियति, ये प्रसाद सबको बांट दो। जी मैम। भोजन से पूर्व सभी लोग आंखें बंद करके अन्न देवताओं को प्रणाम करें। का फोन मत काटना। मैं कब से फोन ट्राई कर रहा हूं। मैं अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। आई स्वेयर, मैं तुमसे और नियति भाभी से मिलना चाहता हूं। माफी मांगना चाहता हूं। मेरा और कोई इरादा नहीं है। हमारी पूजा तो अभी हो गई, अब तेरी दी हुई ड्रेस ही पहन रखी है। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी है। मुझे माफ कर, बस एक मौका दो मुझे अपनी गलती सुधारने का। ओके बाय। चल। अरे वाह, तुम्हारी फ्रेंड ने ड्रेस तो बड़ी अच्छी दी है तुम्हें। वाकई में तुम्हारी फ्रेंड की चॉइस तो बहुत ज्यादा अच्छी है। अब आप सभी लोग अन्न ग्रहण कर सकते हैं। हाँ लो बेटा। आज ये निर्जल निराहार व्रत मैंने नियति के लिए रखा है प्रभु, उसका मंगल ही करना। अरे समीर और ऋषि, मुझे ये बताओ कि कल जो हमारे यहाँ दही हांडी है ना, तो उसमें मटके कौन फोड़ेगा? माँ देखिए, हर साल अपने मोहल्ले की दही हांडी मैं फोड़ता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस बार ये मौका ऋषि को दिया जाए। भैया एक बात कहूँ, कल आप ही मटकी फोड़िए। तो भाई ये डिसाइड हो गया कि कल मटकी मेरा समीर ही फोड़ेगा। जरूर माँ। किसका नंबर है? कहीं ये नंबर अतुल का ना हो। कॉल के बारे में नियति भाभी को बताना तो जरूरी है, लेकिन मैं क्या करूं, मौका ही नहीं मिल रहा। चार बज गए और थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। और Come on!
रोहिणी जी, वो जरा दही हांडी की मटकी तैयार कर दो ना। अभी लाती हूँ। और सुनो, मटकी तैयार करते समय ना मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलना। आज तक कभी भूली हूँ क्या? और हर बार आप ही जीतते हैं ना, तो फिर मैं अभी मटकी तैयार करती हूँ। कहाँ है नियति भाभी? यहाँ भी नहीं है भाभी। नियति, जरा ये मटकी बाहर दे आओगी आराम से। नियति भाभी को अतुल के फोन के बारे में बताना तो बहुत जरूरी है, लेकिन लेकिन वो अकेले मिले तो ना। आप लोगों ने तो अब तक शुरू भी नहीं किया। काफी ऊंची मटकी लग रही है, जरा हम कोशिश करें। भाई सोच लीजिए, हमने फिर से भी कई ऊंची ऊंची मटकियां यूं फोड़ दिया, इसे तो एक बार में फोड़ देंगे। तो दोस्तों, वैसे हमें पैसों का कोई लालच नहीं है, हम तो बस आपको हेल्प करना चाहते थे। नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। तुम्हें कोई शक है ना, तो फिर आ जाओ मैदान में, और जो टोली सबसे पहले मटकी फोड़ेगी जीत भी उसकी होगी और इनाम की रकम भी उसे ही मिलेगी। बोलो मंजूर है? सही बात। हमें मंजूर है। मंजूर है। ये मंजूर है। अरे भाई रुको, अरे रुको बेटा, रुको 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 भाई, पहले जरा रास रंग तो हो जाए। हाँ बजाओ भी बजाओ। We'll be right back.
अतुल अतुल